गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और मैं आज को एक और नए वीडियो के साथ में दोस्तों आज की एक और नई हम रोम का रिव्यू वीडियो करके आए हैं। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी हिट कर लेना क्योंकि हम यहां पर रिव्यू करने वाले हैं एक और नई रोम का, प्लस और भी कम्प्लीटली वीडियोज़ आने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड 11 की। दोस्तों ये जो OS है वो मतलब यहाँ पर काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। प्लस ये जो आप OS देख रहे हैं ये एंड्रॉयड 11 पर हमें देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर इसका जो रिलीज टाइप है वो यार मतलब अनऑफिशियल आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आप सारा चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों ये है अर्कैन OS एंड्रॉयड 11 के ऊपर पेज देखने को मिलता है, बिल्ड नंबर भी देख सकते हैं अर्कैन OS और ये अनऑफिशियल है। हालांकि यहाँ पर ये एक नया कॉन्सेप्ट भाई प्रोजेक्ट है जो भी है मतलब काफ़ी अच्छा है, मुझे तो मतलब काफ़ी ठीक लगा है। 5 नवंबर का सिक्योरिटी पेज है और काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर बात करते हैं हम सिस्टम की, तो सिस्टम में आपको यहाँ पर फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, ऐप लॉकर, फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारी मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि मतलब काफ़ी लेटेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसका सिक्योरिटी पेज देखने को मिलता है और काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। प्लस इसका स्टेटस बार कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो कि AOSP के जैसा ही है, मतलब कुछ कुछ एडवांस चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसमें मिक्सअप भी हमें देखने को मिलता है OnePlus का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके सिक्योरिटी के अंदर, और सिक्योरिटी में आपने देख लिया फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट काफ़ी एक्यूरेट। प्लस यहाँ पर मैं बात करूँ इसके लॉक स्क्रीन की तो देख सकते हैं कि इसका जो लॉक स्क्रीन का जो साउंड है वो भी मतलब एकदम अलग है। ठीक है, मतलब कि हम बात करते हैं हम नेक्स्ट साउंड की, तो साउंड को हम चलते ही हैं और सीक्रेट शॉप वगैरह की कुछ अलग अलग से ऑप्शन है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें वॉल्यूम मीडिया काफ़ी लाउड देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, तो चलते हैं इसके सिस्टम के अंदर और चलते हैं सेटिंग में और साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो डेफिनेटली कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस इनेबल्ड है और प्लस वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर इनेबल्ड है। काफ़ी आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्यूरेट हमें देखने को मिल रही है। और भी चीज़ें की बात करें तो 4G कॉलिंग है, वाईफाई कॉलिंग है जो कि आप देख सकते हैं, ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनेबल देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर ये वॉलपेपर देख पा रहे हैं, ये नेवर फॉरगेट का ऑप्शन है जो कि यार काफ़ी ठीक है, मतलब यार नेवर सेटल के जैसे देखने को मिलता है तो ये काफ़ी एकदम ठीक ठाक देखने को मिलता है। बात करते हैं सिक्योरिटी के अंदर ही कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें गीगवेंस स्कोर की। अब गीगवेंस स्कोर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा है यार, मैंने तो भाई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मतलब इतना ज़्यादा हमें गीगवेंस स्कोर हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस करते हैं कम, 1240 मल्टी कोर है भैया, मैं आप सोच के देखो 1240 मल्टी कोर देखने को मिलता है। सिंगल कोर की बात करें तो 280 देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से यार इतना अच्छा होना किसी मतलब कि किसी OS ने मतलब अभी तक तो मैंने इसको फेस नहीं किया इस तरीके का। और सेफ्टी नेट की भी हम अगर बात कर लेते हैं तो सेफ्टी नेट भी चलते हैं प्ले स्टोर में, एक्टर प्ले स्टोर के अंदर ही दिखाते हैं। चलते हैं सेटिंग्स में और डिवाइस इज सर्टिफाइड, आप देख पा रहे हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं डिवाइस इज सर्टिफाइड तो ये ठीक है। और प्लस और भी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ये वॉलपेपर्स वगैरह काफ़ी है मतलब क्यूट से देखने को मिलते हैं। प्लस और भी काफ़ी सारे आप ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पर हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, अब आती है बात मेन भाई जो कस्टमाइजेशन है उसकी, तो चलते हैं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में चलते हैं बैक। और यहाँ पर सेटिंग में सबसे पहले बात आती है डिस्प्ले की, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट मोड को वैसे पहले से ही मतलब इनेबल कर रखा है। और भी रोटेशन सेटिंग्स हैं, स्क्रीन की अटेंशन की सेटिंग है ये देख सकते हैं। और स्क्रीन सर्वर है, लॉक स्क्रीन की बात कर ले जाए तो डिस्प्ले मीडिया कवर म्यूजिक विजुअल्स है। और यहाँ पर आप कुछ ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं और लॉकडाउन का ऑप्शन है, टाइम एंड इन्फो, डबल टिप टू ब्रेक वगैरह चीज़ें देखने को, डिवाइस कटआउट और भी मतलब यार एडवांस चीज़ें देखने को, क्लॉक की जो स्टाइल है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है, एक्सेंट कलर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हेडर बॉडी की मतलब जो फॉन्ट है वो भी काफ़ी सारे हैं, आइकन शेप भी मतलब काफ़ी मतलब ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्लस बात कर लिया सीक्रेट शॉप की, जहाँ पर आपको एक प्रकार से आप क्लॉक वगैरह वॉलपेपर्स वगैरह स्टाइल के ग्रेड्स को चेंज कर सकती हो। प्लस ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पर और कस्टमाइजेशन में कुछ खास
और अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी, और है भी नहीं इसके अंदर। और यहाँ पर चलते हैं होम में, तो ये लॉवेंचर का ही कमाल है जो कि आपको मालूम ही है। और ये तो हो गई भाई कस्टमाइजेशन की बात, अब बात करते हैं इसके बैटरिया की। हाँ भाई बैटरिया की करते हैं बैटरी की बात, तो चलते हैं अंदर और बैटरी यूसेज में चलते हैं। तो ये है इसका बैटरी यूसेज, मुझे तो इसका भी बैटरी बैकअप में फायदा हूँ भाई इसके बैटरी बैकअप के ऊपर। और हिस्ट्री भी देख लो आप अपने आपके सामने, 1 घंटे 59 मतलब कि 2 घंटे में इसने चार्ज किया है 45%, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 50% 2 घंटों में तो थोड़ा सा एवरेज ही देखने को मिलेगा, लेकिन 10 घंटे पहले ये ने इसने 10 घंटों में -42% ये डिस हुआ है, और भी आप देख ही पा रहे हैं। ये है भाई बैटरी। और बात कर ली जाए इसकी सेफ्टी नेट की, वो भी मैंने आपको बता ही दिया, गीक बेंच स्कोर भी आपको साथ शेयर कर दिया है। और ये है इसका स्टेटस बार जो कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, एक्यूरेट है। प्लस आप इसको डाउनलोड करके यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा सा नेबा सेटल वाला आपको फीलिंग मिल जाएगी। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ी सी चीज़ें और इसके अंदर होनी चाहिए थी, जैसे कि जेन पार्ट्स का हम यहाँ पर रुख करें तो जेन पार्ट्स अभी चलते, तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी भी घूम लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी में भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को हमें मिल जाते हैं। सीक्रेट शॉप सिस्टम के अंदर चली जाए, सिस्टम में जेन पार्ट्स का डेफिनेटली ऑप्शन है। प्लस कस्टमाइजेशन भी अभी दोस्तों ख़त्म नहीं हुई है, और जेन पार्ट्स में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलती हैं, आप देख पा रहे हैं। और ये है दोस्तों, ये इस चीज़ की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, स्टेटस बार की। स्टेटस बार आई को नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर डिसेबल कलर्ड हेडर जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ सब इनेबल, और QoS क्लॉक अलाइनमेंट, क्लॉक की जो बैटरी सर्कल और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बटन्स में, जेस्टर्स में तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, और कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि नॉर्मल से ही ऑप्शन है। तो ये कम्प्लीटली कहानी। और सेफ्टी नेट तो वैसे भी पास है, और कॉल रिकॉर्डिंग भी, वीडियो कॉलिंग है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैंने बता ही दी हैं वैसे तो। और ये कम्प्लीट कहानी इस OS की। और थोड़ा सा हम इसकी चलते हैं फॉल्स मैनेजर में, तो फॉल्स मैनेजर तो वही है दोस्तों, कोई खास नहीं है। तो ये है कुछ इसका रिव्यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थोड़ी सी बजट्स में चलें तो वही पुराने वाले मिलते हैं। तो ये है दोस्तों कंप्लीट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद नहीं है तो लाइक करो, नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और फैला दो सभी जगह आसपास। तो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय।